हेलो प्रॉफिटियर्स गाइस, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। बहुत सारे लोगों के माइंड में सवाल रहता है कि गोल्ड यानी सोना, इज इट रियली एन इन्वेस्टमेंट जिसको बाय करके हम सो जाएं? गाइस, सबसे पहले व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट आप यू इन्वेस्ट द मनी दैट यू डोंट नीड फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स। जो एक्स्ट्रा इनकम है, जो एक्चुअली आपका डिस्पोजेबल इनकम है, उसको खर्चा करने के बजाय यू इन्वेस्ट इन अप्रिशिएटिंग एसेट्स रादर दैन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। सो एन आईफोन, अ कार, अ बिग एनी थिंग दैट यू आर कंज्यूमिंग, इट्स नॉट एग्जैक्टली एन अप्रिशिएटिंग एसेट। डेफिनेटली एन आईफोन इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, यानी जो चीज़ आप लेके बाहर निकलो और उसकी वैल्यू कम होती जाए वो डेप्रिशिएटिंग एसेट। नाउ गोल्ड ट्रेडिशनली इज़ एन अप्रिशिएटिंग एसेट। पहले के ज़माने में वी डिड नॉट हैव टू मैनी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, उस वजह से लोग पैसा सोना और रियल इस्टेट में डाल के बैठ गए। इवन टुडे 80-85% ऑफ इंडियंस हैव देयर पुराने इन्वेस्टमेंट्स इन गोल्ड एंड प्रॉब्ली सिल्वर एंड रियल इस्टेट। बट गोइंग फर्दर, जब आप गाड़ी चला रहे हो आगे, तो रेयर व्यू मिरर से ज़्यादा आपको फ्रंट व्यू मिरर देखना है इन्वेस्टिंग की गाड़ी में। एक्चुअल गाड़ी आप जो मर्जी ट्रैफिक रूल्स के साथ चलाओ, इन्वेस्टमेंट में यू हैव टू सी द फ्रंट व्यू। क्या गोल्ड टेक्निकली इतने क्षमता रखता है दैट टुडे इट इज़ एट 50,000, क्या वो 10 साल बाद 1 लाख पर 10 ग्राम भी हो गया तो भी इट इज़ जस्ट गिविंग यू 7% रिटर्न्स। तो कहने का मतलब ये है, इज़ गोल्ड रियली एन इन्वेस्टमेंट? पर्सनली आई हैव माई रिजर्वेशंस। हमसे जितने मेंबर्स पूछते हैं, इवन प्रीमियम मेंबर्स, आई नेवर रेकमेंड इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। यू कैन, आप अपना मूड अच्छा करने के लिए खरीद सकते हो, वो अलग बात है। इट्स अ सेल्फ फुलफिलिंग एक्सरसाइज, यानि आपको खुशी दे सकता है, बट इसको इन्वेस्टमेंट मत बोलना। पॉइंट नंबर वन, क्यों? सबसे पहली बात ये है, आप जो सोना खरीद के बैठे हो, क्या आप कभी वो बेचने वाले हैं? आर यू गोना सेल द गोल्ड दैट यू आर होल्डिंग फॉर सो मैनी डेकेड्स एंड ईयर्स? नो, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप स्टॉक्स लेके बैठते हो या म्यूचुअल फंड यूनिट्स लेके बैठते हो, यू कैन सेल इट, रिडीम द अमाउंट एंड री इन्वेस्ट या यूज इट समवेयर एल्स। रियल इस्टेट एंड गोल्ड दोनों में जब तक आप वो बेचेंगे नहीं, तब तक उसका वैल्यू रियलाइज नहीं होगा। वो सिर्फ नोशनल वैल्यू है, हवा में बातें कर रहे हैं आप लोग। सोना यूजुअली ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होता है, इट गोज फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर जनरेशन। दैट इज हाउ गोल्ड मैनिफेस्ट इन योर माइंड। तो ये पहला पॉइंट है, अगर आप बेचने के लिए रेडी हो, लेकिन बेचना तो हमारे कंट्री में इट्स नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो पास करो आप, यू जस्ट कीप ऑन पासिंग, आपके आगे वाले बच्चे भी पास करेंगे, वो भी पास होएगा, वो भी पास होएगा, वो पहनने में बहुत अच्छा लगेगा, उसको देखते रहो। यू जस्ट कीप वॉचिंग गोल्ड, द गोल्ड विल वॉच यू, नथिंग ग्रोज बिकॉज यू नेवर रियलाइज। सेकेंड पॉइंट, इंडिया इम्पोर्ट्स ऑल ऑफ इट्स गोल्ड। हमारे देश में आई डोंट थिंक 10 ग्राम सोना भी मैन्युफैक्चर होता है, हम सब इम्पोर्ट करते हैं। तो कंट्री का जो टोटल इम्पोर्ट बिल है, उसमें क्रूड ऑयल इज 70% एंड गोल्ड इज 15-20%। तो ये देश के लिए भी एक्चुअली कोई अच्छी बात नहीं हो रही है। दैट्स वाई द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ना, टू एनकरेज यू। तो ये सेकेंड पॉइंट है कि इवन फॉर द कंट्री, जो अगर आप सोना लेते हो तो ये कोई ज़्यादा आप देश की सेवा नहीं कर रहे हो, इट्स एक्चुअली अगेंस्ट आर कंट्रीज इम्पोर्ट बिल, मतलब विद द इम्पोर्ट बिल अगेंस्ट आर कंट्रीज GDP एक्चुअली। देन अनदर पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि लुक एट द स्टोरेज कॉस्ट। सोना अपने आप तो स्टोर नहीं होगा, आपको बैंक लॉकर में रखना पड़ेगा, उसकी मंथली फीस देनी पड़ेगी, चाहे 600-700 रुपया हो या 1,000 रुपया पर मंथ। इसका मतलब पहले तो आप सोना लो, अच्छा खासा गाढ़ा कमाई उसमें डालो, उसके बाद उसको बचाने के लिए यानी सेव करने के लिए लॉकर में रखो एंड वो लॉकर की फीस भी दो। आजकल बैंक लॉकर के इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आती है गाइस, बिकॉज अगर कल को बैंक को कुछ हो गया, ओनली टू अ लिमिट दे कैन गारंटी द मनी दे रिटर्न टू यू। लॉकर में जो पड़ा है वो आपका ही है, लेकिन आजकल उसके भी इंश्योरेंस पॉलिसीज निकलते हैं। तो मतलब आप एक ऐसी चीज़ लेके बैठे हो विच यू कैनॉट सेल,
which you have to keep in the bank locker. You have to pay additional monthly charges to maintain it, and probably if you are too scared, you have to buy insurance policy to safeguard it. तो ये इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ माय डियर? हाउ द हेल कैन बी कॉल इट एन इन्वेस्टमेंट? इट्स नॉट ग्रोइंग योर मनी. नोशनली आपको दिखेगा कि अब तक तो 50,000 हो गया जी, अब तक तो सोना आगे बढ़ गया, लेकिन इसके आगे कैसे बढ़ेगा गोल्ड? पॉइंट नंबर 3, सॉरी 4, क्योंकि ये स्टोरेज कॉस्ट तो हो गया. पॉइंट नंबर 4, इन ट्रेडिशनल इंडियन वेडिंग्स अगर आप देखेंगे तो सॉलिटेयर पहनना ज़्यादा शुरू हो गया है. सोने से ढके हुए ब्राइडल वेयर वैसे भी कम होते जा रहे हैं. पीपल आर नॉट द यंग ब्राइड्स आर नॉट चूजिंग टू वेयर एज मच गोल्ड एज दे वुड हैव वोरन वोन अर्लियर. तो ये भी एक चेंजिंग ट्रेंड है गाइस. सोने की डिमांड देश में कम हो रही है बिकॉज पीपल आर इन्वेस्टिंग मोर इन डिजिटल एंड लिक्विड एसेट्स. तो इससे आप खुद अंदाजा लगाइए सोने का भाव कैसे बढ़ेगा. इट्स नॉट गोइंग टू ग्रो, इट्स जस्ट एन ऑस्पिशियस वेस्ट ऑफ टाइम. पॉइंट नंबर 5, अगर आपका बहुत मन करता है सोने में निवेश करने का तो आप टाइटन का एक शेयर ले सकते हो. इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो शेयर कम से कम लेके ग्रो करेगा. लुक एट टाइटन्स ग्रोथ रेट. आपको बहुत प्यार है अपने सोने से तो आप ऐसी चीज लो जो ग्रो करे, राइट? पॉइंट नंबर 6 एंड द फाइनल पॉइंट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. गाइज ये सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया, लेकिन अगर डिजिटल इन्वेस्टमेंट ही करना है तो सोने में क्यों? यू हैव सो मेनी म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस, गुड स्टॉक्स. अगर फिजिकल सोना नहीं लेना है तो डिजिटल में निवेश करके एसजीबी में क्या मिलेगा आपको? कैन द एसजीबी बीट इक्विटी मार्केट रिटर्न्स? नो. ट्रेडिशनली गोल्ड हैज गिवन रिटर्न्स ऑफ 7 to 9%. बहुत अच्छा टाइम आपका आया तो 9% रिटर्न मिलेगा, नहीं तो 7% रिटर्न मिलेगा. इट्स नॉट ग्रोइंग बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. या सो बेस्ड ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप रिकंसिडर कीजिए. आई थिंक इन अ हेल्दी पोर्टफोलियो 5 to 7% गोल्ड इज ओके, लेकिन 20-30% सोना लेके बैठना, स्पेशली इन एसजीबीज हो या फिजिकल फॉर्म, इज नॉट वर्थ इट गाइस. लास्ट पॉइंट, द सेवेंथ एंड द लास्ट कमांडमेंट फॉर गोल्ड अगर मैं कहूँ तो, सोने की जो परिभाषा है यानी व्हाट डज गोल्ड गिव यू, वो ध्यान में रखिए. आप उसको बेच नहीं पा रहे हो, माइट एज वेल वो पैसा आप कहीं निवेश करके ग्रो कर सकते थे. और दूसरी बात, सोना एज सच फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं दिख रहा है, बट लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल एंड देन टेक अ कॉल. अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए एंड देन टेक अ कॉल. आई सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन, एज ऑलवेज, कीप प्रॉफिटिंग.